बाबा देखा चल जाए मुंह बंद बाबरा, लेकिन वो बात है हम सब जन्म में ना, हम अपन जन्म का कसम का कहता नहीं हम कब बोले। और इस समय अकेले हैं जा रहे थे। रोइए मत, रोइए मत, नहीं रोया जाता, लड़की गई है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी मैं रेडी हो चुका हूं, और रेडी होने के बाद से आप लोगों को भी इंतज़ार होगा ये वाला, स्पेशली ये वाला ब्लॉग का, क्योंकि आज हमारे घर पे हुआ है वो चीज़ जो हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम लोगों के घर पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारे घर पर आए थे लोग, किन्नर लोग आए थे, जबकि मैं था मंदिर के अंदर, मैं मंदिर में पूजा कर रहा था, और इधर मम्मी जो थी बहुत ज़्यादा परेशान भी थी कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद से क्या होना था। तब मम्मी को, आप लोग देखिए वीडियो में मम्मी क्या की, और मम्मी को काफ़ी डर भी लग रहा था कि अकेले थी, और फिर पापा जी भी चले गए थे अपने काम से, बाहर गए हुए थे, तो फिर वो बोली मम्मी की नहीं, तो फिर मम्मी क्या क्या दी, क्या क्या उन्होंने लिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट था, और क्या क्या उन्होंने सब क्या बोलते हैं इसको आशीर्वाद दे के गए, और ये सब चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, और आप लोगों को भी मैं माता रानी से दुआ करूँगा सभी के लिए कि आप लोग हमेशा हमेशा खुश रहें, और जो भी आपका तकलीफ़ है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, और आप लोग और आगे बढ़ें, और अपने भाई को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और देखिएगा मेरा नेचर में मतलब क्या होता है ना, कि आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हम अपना सोचते हैं कि ये करेंगे, पर जैसे रिक्वायरमेंट आ जाता है पापा मम्मी का कि हमको करना है, तो फिर हम बोलते हैं चलिए ठीक है हम अपना बाद में कर लेंगे। तो क्योंकि ये बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये अपना ही कर रहा है, तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, खूब मस्ती करेंगे अभी। तो चलिए गाइस वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। अब मम्मी कितना परेशान है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जैसे घर के अंदर हम एंट्री किए तो सिमी कैसे क्या की, और उसके बाद से सारा रूम जो है वो बंद हो चुका है। तो गाइस घर आते आते आप लोग देख सकते हैं कि ये दरवाजा बंद, ये दरवाजा बंद, यानी कि घर के जाते जाते पूरा माहौल जो है एकदम शांत हो गया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्यों बंद है, तो ये सफाई करके अब बंद कर दिया गया है। और फिर चलिए अब मम्मी से भी मिलवाते हैं, मम्मी अभी क्या सोच रही हैं। अब आप लोगों को कहानी में थोड़ा देखने को मिलेगा ट्विस्ट, यानी कि मेरा ब्लॉग है तो ट्विस्ट तो देखने को मिलेगा ही। तो चलिए दिखाते हैं मम्मी अभी क्या कर रही हैं। यहाँ पे सिमी मेरा इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं आऊँगा और सिमी मेरे साथ खेलेगी, सुबह से ये अकेली हो गई थी। सिमी खाना खाई है, ऊपर उठो, ऊपर उठो, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, खाना खाई है सिमी, मत काटो, खाना खाई है। गया तुम्हारा दोस्त, गया चला गया ना लड्डू, इधर है, यहाँ पे आ। गाइस, तो गाइस फाइनली अब आपको मम्मी बता देंगी कि आज क्या क्या हुआ है हमारे गैरहाजिरी में। आज तो मतलब सब ये हो गया है, पूजा गए थे तो हम तो नमोदास थे, रो रहे थे बैठ के, अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी या बबनी, और पूजा गई थी उसके साथ में उसका बेटा है, उसकी बेटी है, उसका परिवार था, तो चली गई तो सबसे ज़्यादा खल रहा था लड्डू का, लड्डू उथल पुथल पूरा मचा रहा था इधर से उधर। आप लोग कमेंट भी करते थे कि आपका घर गंदा है, तो लड्डू की वजह से हो रहा था, और लड्डू चारों तरफ करता था इस रूम से उस रूम में, तो अब घर जो है एकदम स्थिर हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, और आज तो जैसे वो लोग गया, वो लोग हमको लग रहा है 2:30 बजे गया था, घर से निकला था सुबह, और 8 बजे 9 बजे किन्नर लोग आ गया घर पे, तो आया तो हम तो बवाक होकर रह गए, अपने हमको लगा कि अरे डर गए कि क्या हो गया, कौन आ गया मेरे घर में। नीचे से लॉक नहीं था दरवाज़ा, मेरा खुला हुआ था, और हम सोए हुए थे सोफा पे, अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे थे, तब तक आके पूरा एक बाइक देखे 4 जन का, तो हमको तो एकदम अंदर से ही हो गया,
तो इनके पापा के पास फ़ोन किए उधर उठ के जाके, तो बोले क्या कि जल्दी से जो भी देना है दे के हटाइए उन लोग को। तो वो क्यों अब तो हटने वाला था लो नहीं, बैठ गया लो यहाँ मेरे हॉल में और लगा लो ढोलक पीटने बजाने। तो अच्छा लगा, शुभ होता है उन लोग को घर में आना और भगवान उन लोग को चरण में लक्ष्मी देती हैं और घर का सब शुभ कामना होता है। जितना नकारात्मक होता है, जितना घर का कलेश वगैरह ये सब बिकता होता है, सब टल जाता है उन लोग को घर में आने से। तो कहीं जाके अच्छा भी लगा, अच्छा चलो छीटा वो लोग, चलो अच्छा दी, हाँ अच्छा पूरे घर में मेरा छीटा लोग, और जो कि आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। और मनीषा के लिए भी दुआ किया है लोग और बोला भी है लोग कि हम लोग आएंगे, मनीषा का बेबी होगा तो सोना के चेन लेंगे। तो हम भी बोल दिए हैं कि ठीक है हमारा पोता हो जाएगा तो हम आप लोग को चेन देंगे। तो उन लोगों को देने से घटता नहीं पोता है या पोती। भगवान कुछ भी पोता पोती कुछ भी होगा उसका आंचल खुल जाए। और उसके साथ साथ आप लोग का भी बच्चा जो भी होना है वो होए तो बन करेगा, उन लोग से भी ये करेंगे और उन लोग का से भगवान का हम प्रे करेंगे कि आप लोग का भी आंचल भरा रहे और आप लोग का भी बच्चा हो जिनको जिनको नहीं हुआ है। और तो आपसे क्या क्या मांगा बोलो। हमसे तो 51,000 रुपया मांग रहे थे और बहुत सारा सामान भी कान का वगैरह का, लेकिन हम बोल दिए कि भाई मेरे पास है नहीं और ऐसा कुछ नहीं है, इतना पैसा घर में कोई रखता भी नहीं है, ना सामान जेवर रखता है कोई। तो मम्मी क्या दी हैं आप। तो हम उन लोगों को लाके एक बार दिए तो उन लोगों साफ मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए, कुछ पैसा था और कुछ सामान था जो वीडियो में आप लोग देखिएगा पता चलेगा, तो नहीं लिया लोग। फिर उसके बाद आया लो तो यहाँ देखिए मेरे हाथ का जो हम रिंग पहनते थे। उस वक्त हम कहाँ थे, ये लछवार दुर्गा माता रानी के पास थे, भूखे थे और यहाँ हम रिंग पहन रहे थे। संजोग से 2-3 रिंग इसमें पहनते हैं, इसमें नहीं पहने हुए थे, इसमें चांदी का था, एक यहाँ गोल्ड का पहने थे। तो नया सा, तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ क्या हुआ। और सो गाइस अभी पूजा के जाते हुए 4-5 घंटा नहीं हुआ, तब तक फिर यहाँ ये लोग आ गया है लोग किन्नर लोग बधाई लेने के लिए। तो यहाँ पे सीधा निकाले हैं और मन भी नहीं लग रहा है, सब घर उदास है। और इस समय अकेले हैं, जा रहा देने मत रोई रोक के राम होता तारी बेटी दामादो तेल सिंदूर ले आए खूब मत तारी खूब आशीर्वाद दीजिएगा खूब आशीर्वाद दामाद भी बोले हैं कि खूब आशीर्वाद दे के जाइए और ठीक बाबूनियों पर लिया दामादो पर लिया कि आए हैं खूब खुशी से जाइएगा आशीर्वाद लेकर। हाँ आज कोई दिन है ना बाबूनियों रोक मट्टी के मम्मी माई के जी रोकना टूटल जाना सफर में बाली लोग जय दुर्गा जी टीके बजे लगाने के जितना छे बच्चा परिवार बड़े बेटा बस घर वाले भाई बच्चे जानी मारे भाई तो काम नहीं हो पाना थी होता सालों साल खोजन के आवे के लगन हो के ये लगन ये फलों के लाभ आ खूब राजी खुशी दी कोनो कमी नहीं दुई 21,000 रुपया छ बेटी के गोद वाला बा दूदू गो भाई गोद लागली खूब मांग सुहाग बना रहे नहीं ससुर अरे कवन मैया गोर बाड़ी कवन मैया गोरिया कवन मैया Thank you.
से मान रहा है लेकिन नहीं, कोशिश करेंगे कि देख कर बनाए पैसा यहाँ से। गरीबो से गाड़ी बना देवेगा सब जन्म में हम अपन जन्म के कसम का कहतन हम कब बोल कसम का कहतन हम कब बोल जाए।